हाँ माँ ठीक है ठीक है, हाँ बात करके देखती हूँ। वैसे मुश्किल है सबका मान जाए ना, पर शायद से मान जाए। हाँ कब क्या होता है आपको नहीं पता। हाँ माँ। अच्छा मामी क्या बोल है? हेलो है? ओह आपने आई क्ल कहा, मैं क्या बोली? आई क्ल, तुम्हारी माँ हमको बुला रही है ना वहां पे। हाँ माँ बोल रही थी अभी बच्चों को छुट्टियां लग जाएगी ना, तो आ जाओ सब मायके मेरे यानी कि आपके ससुराल। ये देखो शर्मिला, साफ सीधी बात है, मुझे बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी दिवाली में। क्या काम होता है आपको, ऐसे क्या काम करते हो आप जो दिवाली में भी आपको छुट्टियां नहीं मिल रही। मैंने कहा ना काम होते हैं मुझे, नहीं आऊंगा मैं। ठीक है तो मत आइए आप। ओ बा एक आंटी क्या मैं हुआ, बड़े कुछ दिख रही हो? मेरा वीजा अप्रूव हो गया, 2 दिन बाद होने वाला था बट आज ही हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाके मम्मी को पापा को सबको बता के आती हो। ससुर जी ससुर जी, ए असल क्यों चिल्ला रही है? तुझे देख नहीं रहा, रियाज कर रही हूं मैं। ससु माँ वो मेरी माँ का कॉल आया था, माँ का कॉल आया था, कहीं कुछ नया टोटका चोटका तो नहीं सीखा तुमने? हाँ डरिए मत, इस बार माँ ने कॉल करके टोटका नहीं बल्कि हम कोई वहां पे बुलाया है। माँ बोल रही थी अभी दिवाली आ गई है ना तो बच्चों को छुट्टियां होंगी, इनको छुट्टियां होंगी, तो माँ बोली आ जाओ सब मायके मेरे एंजॉय करने के लिए। एंजॉय काय का एंजॉय? पिछली बार जब हम तेरी माँ के पास गए थे हमारी गाड़ी बंद हो गई थी भाड़े की, वो ड्राइवर कितना कुछ किच 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 कर रहा था। दोपहर को 12 बजे बंद हुई, रात को 12 बजे चालू हुई, तब तक हम उही थे, कहा रहती है वो ऊपर पहाड़ों में गाड़ी भी नहीं चढ़ती वहां तक। एंजॉय बोले एंजॉय, अरे पेट को एंजॉय नहीं होता वहां पे? सुबह उठ के बाहर जाने की प्रॉब्लम साफ करने के लिए कहा जाए, कहा ढूंढे, कहा बैठे? छी नहीं आ रही मैं, साफ सीधी बात है। सास माँ जाते हैं ना, कितने दिन हो गए हम नहीं गए, मुझे तो ऐसा लगता है ना हम सबको मिलके हमारे मायके जाना चाहिए, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। तुझे जाना है तू जा, आ मत वापस, समझ गई हम नहीं आने वाले, मुझे बड़े काम होते हैं। क्या काम होते हैं? क्या काम होते हैं? अभी अभी हम आने से पहले बोला आपने मुझे बहुत काम होते हैं। क्या काम होते हैं? काम होते बोलिए, क्या काम होते हैं आपको? वो काम बोलिए, वो छोड़िए। हाँ बोल रही हूँ मेरे काम, काम बोलिए जल्दी फटाफट, काम काम मत कीजिए, बस काम बोलिए। काम ही बोल रही हूँ ना, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे तुम? तुमको कुछ काम ही नहीं होते? दांत मत निकाल दे अभी। नौटंकी करती रहती हो, बस मुझे काम होता है ये होता है, कुछ नहीं होता है, तुम्हें जाना नहीं है बस मायके, इसलिए नौटंकी कर रही हो तुम। क्यों झूठ तो ऐसे बोलती हो, काम होते हैं, कितना झूठ बोलोगी तुम? तुमको तो पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं हमेशा सच्चाई से चलता हूँ। ससुर जी अगर आपको झूठ पसंद नहीं आता था फिर सास माँ कैसे पसंद आ गई? पहले नहीं बोलती थी झूठ, अब झूठ पे झूठ बोलने लगी है। देखो हम जाएंगे सुनबाई के मायके, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मत आओ, हम जाने वाले हैं। माँ पापा बराबर बोल रहे हैं, हमको जाना ही चाहिए और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बोल रहे हो? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ शर्मिला, हमको तुम्हारे मायके जाना चाहिए। हाँ गो भाई देखिए सास माँ अब तो ये भी मान गए, अभी बोल रहे थोड़ी देर पहले नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अभी आपकी डर की वजह से मान गए क्यों? सास माँ देखिए अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम है, ये भी तय रोग है। आप ही सोचो माँ कितने दिन हो गए, उनको भी लगता होगा ना कि दामाद जी आए, थोड़ी सी वो मेरी खातिरदारी करे, मुझे भी थोड़ा सा खातिरदारी का मौका मिलना चाहिए कि नहीं माँ? शर्मिला जाएंगे हम जरूर जाएंगे, मैं आज ही गाड़ी भाड़े से देखता हूँ, आज से ही शुरू करता हूँ, तुम पैकिंग करना। फोन आ रहा है, रिंग तो बजा भी नहीं, साइलेंट पे है ना, साइलेंट। हेलो, हाँ सर,
हाँ हाँ क्या क्या बात कर रहे हो सर, क्या हुआ? ओ सर बोल रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग उन्होंने 11-12 तारीख को रखी है, तो शायद से हम नहीं जा सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। हाँ सर, आगे नहीं जा सकती क्या मीटिंग? नहीं, आगे भी नहीं जाना, अभी करनी है। कैंसिल तेरा माइक, अभी इसको इंपॉर्टेंट काम आ गया, देख। हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ ये कॉल चालू है, फिर भी कॉल कैसे आ रहा है? नया सिस्टम होगा ये, नया सिस्टम, फोन के ऊपर भी फोन आ सकता है, नया सिस्टम। अगर आपने मुंह से एक और शब्द बाहर निकाला तो आपका सिस्टम हिला दूंगा। झूठ पे झूठ, अरे दोनों माँ बेटे बेहद झूठ बोलते हो, ऐसा झूठ बोलते हो कि सामने वाला वो हजम ना कर पाए। कितना झूठ बोलोगे? दोनों का प्लान होगा क्यों ये झूठा कॉल करना? नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, नालायक कुत्ते, तेरी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसी का काम था कॉल का, मैंने उसको कोई आइडिया नहीं दिया। ये ऐसा सुधरेगा नहीं, ये तो चली गई सुधरने के बाद। तो रुक रुक, सुन भाई, झाड़ू है क्या? झाड़ू? सर जी झाड़ू तो नहीं है, दो किडा लगी लाओगा, बेलन चलेगा, दौड़ेगा, लाओ बेलन लाओ। ठीक है। पागल औरत, कहाँ से मिला तुझे आइटम? ससुर जी को क्या बेलन है पता नहीं। ससुर जी बेलन, क्या करने वाले हो आप बेलन से? ओ भाई कितना एक्टिंग करती है ये रेल को कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है, इतना मासूम मत बन, अरे जहर खा के मर जाएंगे लोग, इतना मासूम बनते ही है। भाई मुझे सच में नहीं पता क्या करने वाले सुरजी। ससुरजी आप क्या करोगे बेलन से? मुझे बेलन इसलिए चाहिए था क्योंकि इसको बेलना है मुझे। नहीं नहीं समझ कीजिए सुरजी, कर अब और एक्टिंग कर, बन बन संस्कार। ऐसा मत कुछ, अगर ऐसा पता होता तो मैं लाती नहीं बेलन। देख देख कितना प्यार है तेरे ऊपर, बोल रही है मत करो। क्या फायदा ऐसे प्यार का जो बेलन लग के देता है फिर बाद में बोलते है मत मारो। तेरी नहीं सुधरेगा यार। पापा पापा, अम्मी डैड, पापा क्या कर रहे हो? पूछो अपनी माताश्री से पूछो। मामी व्हाट हैपन, क्या किया भैया ने? बोलो ना। कहीं कोई लफड़ा तो नहीं कर दिया भैया? लफड़ा क्या आप? हाँ भी मुझे पहले से पता था भैया कैसे बार बार इशारे दे देते हो आंटी को। अरे तेरे भाई ने झूठ बोला, उसका फोन नहीं आया था, फिर भी उसने फोन आने का नाटक किया। मैंने नहीं बोला था, मेरा आइडिया नहीं था, फिर भी उसने वो किया। वो इसके मायके जाना है, हमें नहीं जाना ये बोल रही थी, तो इसने नाटक करके कहा मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तभी असली फोन आ गया। अच्छा तो ये बात है, ये शिमला गए हैं, कुछ ना कुछ बात तो जरूर हो रही है इनके घर में। वैसे शिला क्या बात है आज इतने सुबह सुबह? पापा मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? आगो भाई शीला, तुझे पता चलेगा, मुझे बोलती है ना आपके बच्चे आपके, अरे तेरा होगा ना, तुझे पता चलेगा कितना मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। ये अच्छी तेची नजर नहीं गुंजा हूं, गकोनी तेरी पाहुना घरी, गकोनी तेरी एनार एनार ग, ककोनी तरी एनार एनार ग, पाहुना घरी एनार एनार ग, पाहुना घरी एनार एनार ग, छोटा सा मोटा सा छोटा मोटा सा, पाहुना घरी एनार। कांग्रेचुलेशन, शुभेच्छा। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी बात सुनने से पहले आप सब शुरू हो जाते हो। सारा मूड खराब हो गया, क्या क्या सोचा था मैंने, अभी जाऊंगी शर्वरी को ये गुड न्यूज दे दूंगी, फिर उसकी शक्ल देखने लायक होती। खुशखबरी यानी कि सिर्फ वो खुशखबरी नहीं होती है दुनिया में, और भी खुशखबरियां होती है। क्या शीला, इतना मैंने डांस किया, सारा मूड अप कर दिया तूने। गलती आपकी है, पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी, उसके बाद सेलिब्रेशन करना चाहिए था, खामखा का सेलिब्रेशन किया।
बात यह है कि मेरा जापान के लिए वीजा अप्रूव हो चुका है, तो मैं अभी जा सकती हूँ जापान। जापान जा रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, जापान जा रहे हो? हाँ, मैंने मम्मी को बताया था ना मुझे जॉब लगने वाली है वहाँ पे, तो मैं जापान। मम्मी ने आपको बताया नहीं? मामी मेरा एक्चुअली जॉब लगने वाला है पापा जापान में, तो मैं जापान ही शिफ्ट होने वाली हूँ। अच्छा, तू जाएगी तो तेरे सदा मजे भी आने वाले होंगे ना जापान। सुन भाई, एक ऐसी बात करती हो, अभी शिला जाएंगी तो उसके साथ वो भी जाएंगे क्यों? नहीं, उसको नहीं लेके जा रही मैं। क्यों नहीं आ रहा वो तेरे साथ? देखो पापा, उसका जॉब यहाँ पे है, वो यहाँ पे काम करता है, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पे, क्या करेगा वो? उससे अच्छा मैंने कहा रुको यहीं पे मत आओ, मैं जाती हूँ। वैसे भी मुझे अकेले रहना पसंद है, पहले भी तो मैं अकेले ही थी वहाँ पे, अभी भी अकेली। क्या बात करी, तू अकेले कैसे जाएगी? शादी हो गई तेरी, अब तुझे उनको साथ लेके जाना पड़ेगा। सुन भाई, ये उनका निजी फैसला है, उनको जैसे करना हो वैसे करने दो। कहीं इन दोनों का डाइवोर्स वाला प्लान तो ये करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जरूर ये शीला अभिजीत कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे। अभी इसको जापान जाना है, जाने से पहले इसने कहा था, जैसे कि मुझे दीदी बोल रही थी कि डाइवोर्स करेंगे, ये जरूर डाइवोर्स करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ खेला तो खेलना ही पड़ेगा इनके साथ, नहीं तो मैं सोसाइटी की कोबोली का कैसे कहलाऊंगी। आने दो शीला। वैसे शीला कब जा रही है? अभी आ गया है वीजा, तो मैं देखती हूँ अगले 2-3 दिन में निकलूंगी। अरे इतना जल्दी थोड़ी है, 2-3 दिन में कुछ होता है? नहीं नहीं, दिवाली आ रही है, देख एक हफ्ते बाद दिवाली सेलिब्रेट करके ही जाना। आ देख शीला, दिवाली तो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, सभी फेस्टिवल कर रहे हैं, दिवाली भी करके जा। अभी मुंह पे आई है ना भाई दूज भी है उसके बाद, रुक रुक सब फेस्टिवल करके जा। ओह नो, इनको कैसे बताऊं डाइवोर्स की बात? शीला क्या बात है, परेशान दिख रही है, कुछ तो बात है? अब कुछ नहीं, बचपन से देख रहा हूँ तुझे, जरूर कुछ बात है। नहीं कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ेगी ना, अभी जाना है, मैं आती हूँ।